इस वीडियो को यार तुम्हें पूरा देखना है एंड तक। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि यहाँ पर जो हमारा एवरेज पैकेज है, हर कोई तुम्हें बताता है कि एमबीए एनआईटी में हमारे को इतना पैकेज मिल जाता है। मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ चार जॉब पोस्ट बताऊंगा, उस जॉब पोस्ट में तुम्हें कितना एवरेज पैकेज मिलेगा, उस जॉब पोस्ट में कितना एवरेज पैकेज मिलेगा, ऐसे करके मैं बताऊंगा। अलग भी बताऊंगा सेपरेट कि एवरेज पैकेज कितना मिल जाता है हमें, ठीक है, और मैक्सिमम पैकेज यहाँ पर एमबीए एनआईटी करने के बाद हमें कितना मिलता है। फीस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, एडमिशन प्रोसेस के बारे में देखेंगे, और यहाँ पर कौन कौन से एंट्रेंस टेस्ट होते हैं यहाँ पर वो भी हम देखेंगे। पूरा सारी कुछ डिटेल्स अबाउट एमबीए एनआईटी इन दिस वीडियो। सो हे गाइस, माय नेम इज तुषार बड़ीवाल एंड यू वाचिंग तुषार बड़ीवाल यूट्यूब चैनल। तो बिगर देरी करें आ जाते हैं यार हमारे टॉपिक पे, जो कि है एमबीए एनआईटी। और सबसे पहले बात करते हैं हम व्हाट इज एमबीए एनआईटी। तो एमबीए एनआईटी क्या होता है यार, कि जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जनरली यहाँ पर बीसीए करने के बाद, बीएससी आईटी के बाद यहाँ पर लोग करते हैं, बीटेक के बाद भी लोग करते हैं, ताकि उनकी जो फील्ड है आईटी वो यहाँ पर सेम रहे, ठीक है। सो वो यहाँ पर जनरलाइज एमबीए होता है। व्हाट इज एमबीए आईटी में जनरलाइज एमबीए होता है। फर्स्ट ईयर में आपको वही चीज़ें पढ़ाई जाएंगी जो कि बाकी एमबीए में पढ़ाया जाता है, जैसे फाइनेंस हो गया, मार्केटिंग हो गया, वही चीज़ आप, ये जो स्पेशलाइजेशन होती है हमारे पास, इसके अलावा भी काफ़ी होती है, पर जनरल में मार्केटिंग, फाइनेंस और आईटी होती है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें जो होती है आईटी आपको सेकंड ईयर में पढ़ाया जाता है। फर्स्ट ईयर में आपको क्या पढ़ाया जाता है, फर्स्ट ईयर में आपका बिल्कुल एक सिंपल एमबीए जो कि हर किसी को पढ़ाया जाता है, और सेकंड ईयर में ये आपकी स्पेशलाइजेशन आती है। अगली चीज़ पर आ जाते हैं यार, यहाँ पर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और ड्यूरेशन क्या रहने वाला है। तो इसका जो ड्यूरेशन है वो यहाँ पर 2 ईयर का होने वाला है। वो अलग बात है यार कि आप उसको 3-4 साल में पास करो, पर जो जनरल होता है वो 2 साल का यहाँ पर आपको एमबीए करने में लगता है। और एलिजिबिलिटी इसमें क्या है कि बैचलर्स डिग्री विथ एनी डिसिप्लिन, कुछ भी आपके पास हो, आपने बीकॉम कर रखा हो, बीसीए, बीएससी आईटी, बीए, ठीक है, बीए तक कुछ भी मतलब आपने कर रखा हो, बस बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए और आप इस एमबीए एनआईटी को कोर्स को परस्यू कर सकते हो। इसको यार टॉप कॉलेजेस से ही करना मेरा ये रिकमेंडेशन है। काफ़ी आप एक टॉप की जो कॉलेजेस आते हैं, टॉप 50 कॉलेज आप देख सकते हो, है ना, इन कॉलेजेस से करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अगर बेकार कॉलेज से करोगे तो फिर कोई वर्थ इट नहीं होता, ठीक है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनीज प्लेसमेंट के लिए आती है वो इन्हीं बड़ी कॉलेज, टॉप कॉलेजेस में ही आती हैं, ठीक है। एडमिशन प्रोसीजर की हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसके बाद में आप उस कॉलेज से आपका कॉल आता है, और फिर वहाँ पर आपको GDPI का GDPI होता है, ग्रुप डिस्कशन, GDPI यानी पर्सनल इंटरव्यू। तो ये बाद में कॉलेज के अराउंड होता है। तो सबसे पहला जो चीज़ है कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए वो होता है एक एंट्रेंस टेस्ट। अब कौन कौन से यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट होते हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर जो सबसे फेमस है और काफ़ी सारे कॉलेजेस एक्सेप्ट करती हैं, ठीक, काफ़ी कॉलेजेस करती हैं कैट, ठीक है, वो कैट के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है। बाकी फिर कुछ और एंट्रेंस टेस्ट भी होते हैं जिससे आपको एडमिशन मिल जाता है, जैसे कि हो गया सीमैट, मैट, जेट और स्नैप और एनमैट बाय GMAC, ठीक है। तो ये यहाँ पर कुछ हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट्स के बारे में कि कौन कौन से हमें सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। तो टोटली यहाँ पर आपको DBMS के बारे में पढ़ाया जाएगा, ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, नेटवर्किंग के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, कुछ क्लाउड कंप्यूटिंग में, ये मैं बात कर रहा हूँ सेकेंड ईयर में, ठीक है। फर्स्ट ईयर में तो वो जनरलाइज MBA होता है जो हर कोई पढ़ता है, सेकेंड ईयर में आपकी स्पेशलाइजेशन होगी IT, उस ईयर में फिर आपको ये चीज़ें पढ़ाई जाएगी। और भी यहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें आएंगी, कोडिंग पार्ट बहुत ही ना के बराबर होता है, ठीक है, बिल्कुल आप मान सकते हो। बाकी फिर वो अलग अलग कॉलेजेस का करिकुलम होता है, अगर आपको चेक करना है पर्टिकुलर कॉलेज का सिलेबस, उसकी ऑफिशियल साइट पर जाओ, वहाँ पर आपको उस कॉलेज का जो प्रॉपर सिलेबस और सब्जेक्ट्स होंगे वो वहाँ पर उसको आपको पता चल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं जॉब रोल्स कौन कौन से होने वाले हैं, ठीक है। तो हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि हम यहाँ पर एमबीए एनआईटी कर रहे हैं, तो क्या क्या जॉब रोल्स हमें होने चाहिए। कुछ लोगों को यही नहीं पता होता और वो सीधा एमबीए एनआईटी करने पहुँच जाते हैं, ठीक है, उनको यही नहीं मालूम होता हमें आगे जाके काम क्या करना है। तो पहले हम उस चीज़ को भी यहाँ पर समझ लेते हैं। तो आईटी मैनेजर, आईटी डायरेक्टर, CTO, ठीक है, और चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर आईटी का, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजर, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपके रोल्स होने वाले हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यार हम सैलरी के बारे में, ठीक है, सैलरी हमारी कितनी होती है। तो अब इस सैलरी को हम पहले देखेंगे कि पोस्ट वाइज मैं आपको यहाँ पर सैलरी बताना चाह रहा हूँ। हर कोई आपको यही चीज़ बताता है कि ये सैलरी में एमबीए एनआईटी करोगे तो इतनी सैलरी मिल जाएगी, इतनी सैलरी मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता, ठीक है। वो मिलती है आपको जॉब पोस्ट के हिसाब से कितना होता है। तो अगर आप एमबीए एनआईटी के बाद में जॉब पोस्ट आपकी एक टीम लीडर की है तो आपका जो पैकेज होगा वो होगा 10 लाख पर एनम, ठीक है, और पी
यहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजर आईटी के, अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर हो तो 13 लाख पर एनम होगा, ठीक है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर की सैलरी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू टीम लीडर, ठीक है। उसके बाद में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट हो आप, अगर कंसल्टेंट हो तो 8 लाख पर एनम यहाँ पर आपकी सैलरी होने वाली है। आईटी मैनेजर, ठीक है, आप सिर्फ एक आईटी के मैनेजर हो, उसकी 10 लाख पर एनम है। प्रोजेक्ट मैनेजर की 13 लाख पर एनम है, ठीक है, आईटी मैनेजर की 10 लाख पर एनम है, कंसल्टेंट की 8 लाख है, और टीम लीडर की यहाँ पर 10 लाख रुपये पर एनम सैलरी रहने वाली है, ठीक है। ये तो बात हो गई यार कि जॉब पोस्ट के हिसाब से। तो अब आप बोलोगे यार कि हमें एक रफ स्टेटमेंट भी दो कि हमको, अगर हमने एमबीए आईटी एक ढंग के कॉलेज से कर लिया तो हमें कितना लगभग पैकेज, मीडियन पैकेज बताओ हमें। तो मीडियन पैकेज मतलब एक क्लास में 40 बच्चे हैं तो उसमें से 20 बच्चों का उतना पैकेज लग रहा है, ठीक है। एवरेज पैकेज तो क्या होता है, हाईएस्ट और लोएस्ट, हाईएस्ट और जो कम गया उसको करके एवरेज निकाल के वो होता है, पर हमें मीडियम पैकेज जानना है, ठीक है, जो मतलब आधी क्लास को मिला है इतना। तो वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, वो आप एमबीए आईटी करने के बाद एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इतना मुझे एमबीए आईटी मैंने अच्छे कॉलेज से किया तो मैं इतना तो मेरा पैकेज लग ही जाएगा, वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। वो है 7 लाख से लेके 10 लाख के बीच में, ठीक है, यही रहता है, यही आप मान, आप इतना एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आप अच्छे कॉलेज से कर रहे हो तो आप इतना एक्सपेक्ट यहाँ पर कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं टॉप कंपनीज कौन कौन सी आती है एमबीए आईटी के स्टूडेंट्स को हायर करने, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर गवर्नमेंट की, तो वहाँ पर आप इसरो में, इनके भी फिर कुछ टेस्ट वगैरह होते हैं, आपको पेपर कंपटीशन फाइट करना होता है, इसरो में आप जा सकते हो। उसके बाद में बीएसएनएल में जा सकते हो, इनकी कुछ अलग फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, ये कॉलेज प्लेसमेंट में नहीं होता, ठीक है। ये आप, मैंने बताया गवर्नमेंट सेक्टर में आप जा सकते हो एमबीए आईटी करने के बाद। पर अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो कॉलेज से प्लेसमेंट लगती है हमारी, ठीक है, वो उसमें कौन कौन सी कंपनी है। तो सबसे नंबर वन पे गूगल, ठीक है, गूगल भी हायर करती है, गूगल, आईबीएम, डेल हो गया हमारा, टीसीएस, टेक महिंद्रा, ठीक है, एसेंश्योर, अमेजोन, ओरेकल, ठीक है। तो ये कुछ कंपनीज हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर में भी आती है, ठीक है। अब हमने काफ़ी सारी चीज़ें बात करी, एक और चीज़ यहाँ पर रह गई है, फीस हमारी कितनी लगेगी अगर हम एमबीए आईटी अच्छे कॉलेज से करते हैं तो फीस कितनी है। तो यहाँ पर फीस वेरी करती है यार कॉलेज टू कॉलेज, आप पर्टिकुलर उस कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर उनकी फीस देख सकते हो। पर मैं आपको एक रफ स्टेटमेंट देता हूँ, वो है कि 6 लाख से लेकर 23 लाख तक, ठीक है। आप आईआईएम में जाओगे तो वहाँ पर 23 लाख फीस है, ठीक है, जो टॉप कॉलेजेस होती है आईआईएम, ठीक है। तो 6 लाख से लेके 23 लाख तक यहाँ पर फीस रहती है एमबीए आईटी की, ठीक है। और इसमें मैं बोलूँगा अगर आप किसी कॉलेज में जा रहे हो, उसकी 10 लाख यहाँ पर ट्यूशन फीस है, ठीक है, ट्यूशन फीस मतलब उस कॉलेज की सिर्फ फीस है 10 लाख। तो 3 से 4 लाख आप उसके ऊपर मान के चलो कि आपके 13 से 14 लाख यहाँ पर लगने वाला है। क्योंकि होता क्या है कि हम किसी और छुट्टी में जाते हैं, 2 साल हमें वहाँ पर रहना भी पड़ता है, ठीक है। तो हमें खाना पीना चार्जेस, ठीक है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, हम कॉलेज से घर, घर से ट्रैवल करते हैं, उसमें भी हमारे चार्जेस लगते हैं, ठीक है, 2 साल आपके वो चीज़ लगेंगे। तो मान के चलो कि किसी कॉलेज की फीस 10 लाख है, तो 3-4 लाख हमारे ऊपर लगने वाले हैं, तो 13-14 लाख का बजट लेके चलो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर लोन फैसिलिटी, बिल्कुल आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब हम जैसे कोई बच्चा अफोर्ड नहीं करता हो, काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो कि इतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो उनके लिए लोन की फैसिलिटी यहाँ पर ज़रूर से उपलब्ध होती है। आप किसी भी बैंक, नॉर्मल एसबीआई बैंक हो गया हमारा, और काफ़ी और भी बैंक्स हैं, ठीक है, प्राइवेट बैंक में भी आप जा सकते हो, और उन बैंक के पास आप जब जाओगे तो वो वहाँ पर आपको कुछ ऑफर करते हैं, ठीक है। वो अगर आप इन टॉप कॉलेजेस में जाओगे आपको इजीली यहाँ पर पैकेज लोन मिल जाता है, ठीक है। आपको आप फिर आप जैसे ही आपकी जॉब लग जाएगी, प्लेसमेंट लग जाएगी, फिर आपकी सैलरी में से वो चीज़ कट ऑफ होती जाएगी और आपका लोन यहाँ पर रीपे होता रहेगा, ठीक है। तो टॉप कॉलेजेस से आप करोगे आसानी से यहाँ पर लोन मिलता है, आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। टॉप कॉलेजेस से जाओगे लोन वाले यहाँ पर बैठे होंगे कि हाँ हमसे लोन ले लो, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि आपका इतना एवरेज कॉलेज का एवरेज पैकेज तो है ही, और इतना पैकेज तो आपका लगने वाला ही है। तो यहाँ पर बैंक को भी फायदा होता है और आप भी यहाँ पर लोन चुका सकते हो, आपको भी यहाँ पर बेनिफिट है, तो आप लोन भी ले सकते हो। अगर आप के पास अभी इनिशियल अमाउंट नहीं है तो आप लोन लेकर एमबीए कर सकते हो, ठीक है। अब एक और चीज़ की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि किन किन को एमबीए आईटी करना चाहिए। तो बेसिकली एक और ये भी टॉपिक है कि हम बीसी के बाद में एमबीए आईटी करें या बीएससी आईटी के बाद में हम एमबीए आईटी करें या फिर एमसी करें, ठीक है। तो ये पूरा एक अलग टॉपिक है, इसके बारे में भी हम आने वाले कुछ टाइम बाद में इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। अभी इस वीडियो का कॉल टू एक्शन रखते हैं हम, ठीक है। अगर आप इस वीडियो पे, अगर आपको टॉप कॉलेजेस चाहिए एमबीए आईटी के लिए, टॉप कॉलेजेस अगर आप जानना चाहते हो, टॉप कॉलेजेस कौन सी हमें उस हिसाब से टारगेट करना है, उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ मतलब कमेंट्स आए, अगर मुझे ऐसा लगा कि लोग जानना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं और वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं, तो फिर मैं यहाँ पर टॉप कॉलेजेस की एक सेपरेट वीडियो आपके लिए ला दूंगा, प्लस उसमें उन कॉलेजेस का कितना पैकेज है वगैरह, वो सब चीज़ें करके सारी डिटेल्स आप तक मैं पहुँचा दूंगा।
तो उसके लिए आपको सिर्फ कमेंट करना है, नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। इस चैनल पे BCMC की भी सीरीज चल रही है, तो प्लेलिस्ट भी जाकर चेक कर लेना, आई बटन पे भी यहाँ पर वीडियो में मैं दे दूंगा। तो तब तक के लिए चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। दिस इज तुषार बड़ीवाल साइनिंग ऑफ।